श्याराम किसान मित्र, आपका अपने चैनल अन्नदाता किसान में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला इमाबेक्टिन बेंजोएट 5% SG। तो आइए इसकी बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका मोडावेक्शन। तो किसान मित्रों, एक तरह से नॉन सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, अर्थात कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड है, अर्थात स्पर्शी इंसेक्टिसाइड है। ये होता क्या है कि इसके जैसे ही संपर्क में हमारे कीट आते हैं, उन्हें लकवा लग जाता है और हो जाता है 3-4 दिनों के लिए और अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमारा इमाबेक्टिन बेंजोएट काम करता है। साथ में इसमें हमें क्या करना होता है, क्रॉस डालना पड़ता है। क्रॉस का मतलब हो गया क्या, क्रॉस ऐसा क्रॉस नहीं होता है। इसमें डालना पड़ेगा हमें अल्फा मेथ्रीन क्लोरोपाइरीफास या आप डाल सकते हो प्रोफेनोफास। इनमें से किसी का भी एक साथ में मिक्स करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा हमारा इमाबेक्टिन बेंजोएट। किसान मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा रेन फास्टनर में कितनी देर काम करता है। तो 2 घंटे अगर जो आपके यहाँ बारिश नहीं हुई है तो बहुत ही आसानी से काम कर जाएगा। और आपको फसल के बारे में बताना चाहूँगा मैं, फसल हमारी कौन कौन सी रहेगी यहाँ पर। इसमें रहेगी धान, कपास, सोयाबीन, टमाटर हो गए, सारी बेल वाली सब्जियाँ हो गई है। इन सभी पर बहुत आसानी से काम करती है दवाई और बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी इलियों पर ये काम करेगी, तो देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आता है लीफ फोल्डर, आर्मी वर्म, पीनवर्म, बॉलवर्म, शूट बोरर, स्टीम बोरर, फूट बोरर, इन सबको बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है यह। किसान मित्रों, मैं आपसे यहाँ डोज की बात करना चाहूँगा। तो यह प्रति पंप 10 ग्राम लगेगी और आप प्रति एकड़ डोज जानना चाहोगे तो 70 ग्राम प्रति एकड़ लगेगी। और उसी के साथ मैं इसका रेट बताना चाहूँगा मैं आपको। तो ये 250 ग्राम 550 रुपये की आएगी। एक बात का और ध्यान रखना आपको, यहाँ पर तेज गर्मी हुई तो ये दवाई बहुत ही कम काम करेगी। तो विशेष ध्यान रखें, सुबह ठंडे में या शाम को ही इसी दवा का इस्तेमाल करें। बारिश के दिनों में आप किसी भी समय में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बारिश होती रहे तो इसका इस्तेमाल ना करें। मैं अब आपको बताऊंगा ये कौन सी कंपनी की बेस्ट दवाई है या कौन कौन सी कंपनी की दवाई आती है और हमारे हिसाब से कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। किसान मित्र, सबसे पहली दवाई आपके यहाँ पे सबसे फेमस दवा है और आम तौर पर हर जगह मिलती है, वो है सिजेंटा की प्रोक्लेम। उसके बाद आती है दानुका की EM1, फिर आती है अदामा की अमोनन, और इसी के साथ में आती है परिजा की, परिजात कंपनी की आती है परफॉर्म, और यही ट्रॉपिकल की आती है एम्बोज, और क्रिस्टल की आती है मिसाइल, UPL की आती है यहाँ पे स्पॉटलिट। किसान मित्रों, हमारे हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे बेस्ट कंपनी यहाँ पर होगी सिजेंटा की प्रोक्लेम, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी आपको। किसान मित्रों, कैसा वीडियो लगा कमेंट कर जरूर बताएं, अपने और किसान मित्रों से साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।